जनपद में एंटी करप्शन टीम ने जिला पंचायत राज अधिकारी के वरिष्ठ लिपिक को रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ गिरफ्तार किया है। लिपिक द्वारा रुके वेतन को निकलवाने के एवज में ग्राम पंचायत अधिकारी से रिश्वत की मांग की जा रही थी, जिसकी ग्राम पंचायत अधिकारी ने मामले की शिकायत एंटी करप्शन विभाग लखनऊ में की थी। शिकायत पर एंटी करप्शन टीम ने रिश्वतखोर लिपिक को शहर के एक नामी होटल में रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार किया है। महुआ शहर कोतवाली क्षेत्र के हेड्रेड पाम होटल से एंटी करप्शन टीम ने जिला पंचायत राज अधिकारी के वरिष्ठ लिपिक वैभव मिश्रा को रंगे हाथों 15,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार किया है। लिपिक वैभव मिश्रा द्वारा विभाग में ही काम करने वाले ग्राम पंचायत अधिकारी आलोक द्विवेदी जी से अपने 2 माह का रुके वेतन निकलवाने के एवज में 15,000 की मांग की गई थी। ग्राम पंचायत अधिकारी आलोक द्विवेदी ने इस मामले में एंटी करप्शन लखनऊ में रिश्वत की मांग की शिकायत की थी। शिकायत के आधार पर लखनऊ के एंटी करप्शन की 11 सदस्यीय टीम पिछले 1 सप्ताह से महुआ में डेरा डाले हुए थे और रिश्वतखोर लिपिक की गतिविधियों पर नजर रख रही थी। रिश्वत की मांग की बात पुख्ता होने पर ही एंटी करप्शन टीम महुआ के हंड्रेड फॉर्म होटल पहुंची, जहां वरिष्ठ लिपिक वैभव मिश्रा ग्राम पंचायत अधिकारी आलोक द्विवेदी से 15,000 रुपए नकदी ले रहा था। ठीक उसी वक्त ग्राम पंचायत अधिकारी के साथ आई टीम ने लिपिक वैभव मिश्रा को रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया। टीम द्वारा शहर कोतवाली में रिश्वतखोर लिपिक के खिलाफ कार्यवाही कर आरोपी को लखनऊ एंटी करप्शन कोर्ट में पेश करेगी, जिसके बाद आरोपी के खिलाफ अग्रिम कार्यवाही की जाएगी। ये जो है ये पंचायत अधिकारी हैं किरवई ब्लॉक में, इन्हीं का वेतन से संबंधित एक था कि मार्च 2022 और अक्टूबर 2021 का वेतन अवरुद्ध था, उसी के संबंध में जो है इनसे पैसे की डिमांड 15,000 रुपये की हो रही थी। उसी जिला राज्य पंचायत अधिकारी कार्यालय में लिपिक हैं वरिष्ठ लिपिक वैभव मिश्रा, उनके द्वारा डिमांड की गई थी, जिसके आज जो है शिकायतकर्ता के शिकायत पर आज लखनऊ से टीम आई और उसने जो है गिरफ्तारी किया है। किस तरीके से सर गिरफ्तारी की गई, क्या बरामद की हुई इनके पास? 15,000 रुपये जो रिश्वत में मांग रहे थे उसी के 15,000 रुपये बरामद लेते हुए बरामद किए जी, बिल्कुल बिना लिए कैसे हम बरामद नहीं कर सकते। कितने दिनों से इनका अभियान चला रही थी जी? आप लोग टीम कितने दिनों से अभियान तो एक तारीख से लगे थे, शिकायती प्रार्थना 1 तारीख को मिला था डीआई साहब को हमारे यहाँ एंटी करप्शन में, वहाँ से जो है अब जो है पहले जांच कर ली गए, गोपनीय जांच होती है, जब जब प्रूफ नहीं होता तब तक जो है कोई कार्रवाई नहीं होती। किस जगह से गिरफ्तारी की गई है जी? ये एक महुआ होटल है हंड्रेड पाम, वहाँ डाइनिंग हॉल में ये चाय अपने पीने के लिए गए थे और वहीं उन्होंने डिमांड किया और वही अपने कार्रवाई की गई और कहाँ लेकर जाया जा रहा है? नहीं, यही कोतवाली में ही कार्रवाई होगी, लिखा पड़ी होगी और इनका रिमांड जो है लखनऊ संबंधित न्यायालय में पेश होगा कोर्ट नंबर 9 में, और रिमांड के बाद इनके जो है जो भी साक्ष्य एकत्र होंगे उसके बाद जो है आरोपत में अलग पेश किया जाएगा। कितने सदस्य टीम है सर आपके पास? हमारे सदस्य करीब 9-10 लोग हैं, इंस्पेक्टर साहबान हैं 5 लोग और मुख्य आरक्षी भी है। सर नाम क्या? लक्ष्मी नारायण यादव, निरीक्षक हूँ मैं, टीएफ प्रभारी भी हूँ टास्क फोर्स का। रिपोर्टर संदीप कुमार।